Hello everyone, I wish you all are fine in this situation. This is our mathematics book. Today I am going to start your third lesson. We will know about heavy and light something. Heavy. The meaning of heavy, the spelling of heavy is H E A V Y, heavy. Heavy means Vajni. Heavy and Andn, -N, and miss or light lIGst light the meaning of light is halka in this book we are getting three pictures in first row the name of the first picture is rabbit and the second picture is dog and the third picture is elephant बिलो द फर्स्ट पिक्चर दर इज द पिक्चर ऑफ रेबिट बिलो दिस वी आर गेटिंग सम वर्ड वाट इज रिटेन बिलो दिस बिलो दिस पिक्चर दिस हैवी इज रिटेन बिलो दिस पिक्चर एच ई ए वी वाई हैवी हैवी एज आई टोल यू दैट हैवी मिस वजनी वी आर टेलिंग अबाउट द वेट ऑफ एनी थिंग वजन के बारे में हम लोग बताएँगे पहला पिक्चर क्या है रैबिट का है तो रैबिट का जो वेट होता है वो क्या है भारी है हैवी है एंड द सेकेंड पिक्चर इज डॉग बिलो दिस पिक्चर वी आर गेटिंग हैवियर हैवियर मिस ज्यादा भारी हैवी मिस भारी और हैवियर मिस होता है जब हम लोग दो चीज़ों के बीच तुलना करेंगे तब हम लोग आई ई आर का इस्तेमाल करेंगे ई आर का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो हैवी फर्स्ट वाला पिक्चर रैबिट का है तो रैबिट क्या है रैबिट का वज़न है वो वजनी है उसकी उसका वज़न ज़्यादा है उसके बाद उससे भी सबसे उससे भी ज़्यादा वज़न किसका है डॉग का है और डॉग को इसलिए हम लोग क्या बोले हैं हीवियर हैवी मिस वजनी है मिस और सबसे ज़्यादा वजनी और भी ज़्यादा वजनी जिसका वज़न ज़्यादा होता है एंड थर्ड वन इज़ वी आर गेटिंग द पिक्चर ऑफ़ एलिफेंट एंड बिलो दिस पिक्चर वी आर गेटिंग हैवियस्ट हैवी हैवियर हैवियस्ट भारी ज़्यादा भारी हैवियस्ट में सबसे ज़्यादा भारी ये तीनों पिक्चर में सबसे ज़्यादा भारी कौ, कौन सा जानवर है विच वन इज हैवियर या विच वन इज़ हैवियस्ट इन दिस पिक्चर द थर्ड वन इज़ हैवियर हैवियस्ट इन दिस पिक्चर पहला जो है हम लोग का रैबिट है तो रैबिट का जो वजन है वो क्या है भारी है वजन ज़्यादा है उसका और सेकेंड वाले का जो डॉग है डॉग का भी क्या है वेट ज़्यादा है लेकिन रैबिड रेबिड uh, और डॉग से भी ज़्यादा वज़न किसका है एलिफेंट का एलिफेंट का जो वजन ज़्यादा सबसे ज़्यादा वज़न है बहुत ही ज़्यादा भारी है इसलिए हम लोग क्या किए अगर सबसे ज़्यादा भारी होगा तो उसके लिए हम लोग हैवियस्ट का यूज़ करेंगे किसका यूज़ करते हैं हैवियस्ट का द फर्स्ट वन इज़ हैवी हैवियस्ट भारी ज़्यादा भारी और सबसे ज़्यादा भारी एंड द सेकेंड रो वी आर गेटिंग द पिक्चर ऑफ आ पेन हम लोग एक पेन का पिक्चर पा रहे हैं हम लोग को एक पेन का पिक्चर मिला है बिलो दिस पिक्चर वी आर गेटिंग अ वर्ड लाइट एज आई टोल यू दैट द मीनिंग ऑफ लाइट इज़ हल्का लाइट मिस होता है हल्का लाइट मिस रोशनी भी होता है लेकिन यहाँ पे क्या होगा लाइट मिस रोशनी लेकिन यहाँ पे लाइट मिस हल्का हो जाएगा क्योंकि हैवी मिज भारी एंड लाइट मिस हल्का ये क्या है एक दूसरे का अपोजिट है लाइट मिस क्या होता है हल्का ये पेन क्या है इस इस पेन का जो वेट है वो क्या है ज़्यादा भारी नहीं है वो क्या है हल्का है द सेकेंड पिक्चर इज पेंसिल वी आर गेटिंग द पिक्चर ऑफ अ पेंसिल एंड बिलो दिस पिक्चर लाइटर उस पिक्चर के नीचे क्या लिखा हुआ है लाइटर लाइट में हल्का लाइटर यानी कि और भी ज़्यादा हल्का और थर्ड पिक्चर हम लोग किसका मिला है हम लोग को ब्रश का ब्रश के नीचे क्या लिखा हुआ है लाइटेस्ट लाइट लाइटर लाइटेस्ट हल्का उससे भी हल्का और सबसे ज़्यादा हल्का पेन का जो वेट है वो क्या है हल्का है पेन पेन तो ज़्यादा पेन में ज़्यादा वेट नहीं होता है पेन हल्का होता है और सेकेंड वाला क्या है पेंसिल पेंसिल का भी वेट ज़्यादा नहीं होता है वो भी क्या है हल्का है पेन से ज़्यादा हल्का क्या है पेंसिल और पेंसिल से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा हल्का क्या हो गया ब्रश पेन ब्रश जो है क्या हो गया सबसे ज़्यादा लाइट हो गया तो पहला हम लोग क्या जाने लाइट लाइटर लाइटेस्ट और उससे पहले हम लोग जाने हैवी हैवियर हैवियस्ट हैवी मिस भारी हैवियर में सबसे ज़्यादा भारी हैवियस्ट में सबसे ज़्यादा भारी और सेकेंड रो में हम लोग क्या देख रहे हैं तीन पिक्चर है पहला पिक्चर है पेन का सेकेंड वाला पिक्चर है पेंसिल का एंड थर्ड वाला पेन ब्रश का तो पहला जो पेन का पिक्चर है वो क्या है हल्का है उसका वज़न ज़्यादा नहीं है और उससे भी कम वज़न क्या है पेंसिल का और सबसे ज़्यादा कम वजन की दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं पे, पे, पेन और पेंसिल के बीच तो सबसे कम वेट किसका होगा पेन ब्रश का तो इसीलिए हम लोग क्या किए लाइटेस्ट का यूज़ किए अब देखिए यहाँ नीचे दिया गया है टिक द हैवियस्ट एनिमल एंड क्रॉस द लाइटेस्ट वन इन द फॉलोइंग वी आर गेटिंग द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है जानवरों की तस्वीर मिल रहा है जानवरों का पिक्चर मिल रहा है आपको यहाँ पे जो टिक है टिक किसके लिए यूज़ करना हैवियस्ट हैविएस्ट मिस जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी हैवियस्ट मिस क्या होता है सबसे ज़्यादा भारी तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे टिक का यूज़ करेंगे और क्रॉस क्रॉस जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि क्रॉस दिया गया है क्रॉस पे क्रॉस का चीन देना है किसके लिए लाइटेस्ट लाइटेस्ट मिस होता है सबसे ज़्यादा हल्का तो लाइट जो जिसका वज़न सबसे कम है सबसे कम जिसका वज़न, उसके जिसका वज़न है, है उसके लिए क्रॉस का यूज़ कीजिए और जिसका वज़न ज़्यादा है सबसे ज़्यादा है उसके लिए टिक का यूज़ कीजिए तो यहाँ पे हम लोग को पिक्चर मिल रहा है सबसे पहला पिक्चर किसका है रैबिट का है उसके बाद क्या है उसके बाद आफ्टर दैट वी आर गेटिंग द पिक्चर ऑफ रेड उसके बाद क्या है आफ्टर दैट वी आर गेटिंग द पिक्चर ऑफ़ रेड रेड यानी कि चूहा चूहा का पिक्चर मिल रहा है आफ्टर दैट वी आर गेटिंग द पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट हाथी का है उसके बाद आफ्टर दैट जिराफ लायन फॉक्स डॉग तो आप ये बताइए फर्स्ट वाला क्या है रैबिट रैबिट के नीचे क्या है लायन रैबिट के नीचे किसकी तस्वीर बनी किस किसकी तस्वीर है मिल रही है लायन लायन यानी कि शेर तो इस दोनों में लाइट यानी लाइट टेस्ट सबसे हल्का और सबसे भारी कौन सा है विच इज़ हैवीएस्ट एंड विच इज़ लाइटेस्ट अगर रैबिट और रैबिट और अगर इसको देखा जाए लायन को तो क्या हो जाएगा रैबिट क्या है रैबिट का जो वेट है वो कम है लायन से तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे लायन के लिए

रेड सॉरी रेड का और सेकेंड वाला क्या है रेड के नीचे फॉक्स अब ये दोनों में से सबसे भारी और सबसे हल्का कौन सा हुआ रेड जो है चूहा चूहा का जो वेट होता है फॉक्स यानी लोमड़ी से क्या है कम है तो यहाँ पे हम लोग लाइटेस्ट का इस्तेमाल करेंगे लाइटेस्ट के लिए क्या करना है हम लोग को क्रॉस करना है लाइटेस्ट के लिए वी विल यूज क्रॉस मार्क एंड फॉर फॉक्स वी विल यूज टिक मार्क एंड थर्ड में हम लोग को मिला एलिफेंट और डॉग अब एलिफेंट का वेट ज़्यादा है कि डॉग का वेट ज़्यादा है विच वन इज़ लाइटेस्ट एंड विच वन इज़ हैवीएस्ट आप लोग बताइए कि किसका वेट ज़्यादा है यहाँ पे एलिफेंट का तो एलिफेंट के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे हैवीएस्ट है यानी कि सबसे ज़्यादा भारी है तो हैवीएस्ट के लिए वी ऑलवेज यूज टिक मार्क टिक का यूज़ करना है हम लोग को और आफ्टर आफ्टर एलिफेंट वी आर गेटिंग द पिक्चर ऑफ अ डॉग तो डॉग के लिए डॉग हल्का है तो हम लोग क्या करेंगे इसको किसका यूज़ करना है हम लोग को यहाँ पे क्रॉस का यूज़ करना है लास्ट वन इज़ जिराफ अब आप लोग बताइए जिराफ को आप लोग क्या गोद में उठा सकते हैं नहीं ना तो जिराफ को तो आप लोग गोद में नहीं उठा सकते हैं जिराफ का वेट जो होता है क्या होता है वो हैवी होता है इसलिए जिराफ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे टिक का यूज़ करते हैं लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रेन इस तस्वीर को देखिए टिक हैवी वन एंड क्रॉस आउट द लाइट वन आप लोग kind of लो को, लो को क्या करना है टिक करना है जैसा कि मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ टिक हैवी के लिए हैवी यानी कि भारी के लिए और लाइट हल्का के लिए हम लोग को क्या करना है क्रॉस करना है तो यहाँ पे हम लोग पहला फर्स्ट पिक्चर में हम लोग को क्या मिल रहा है एक पम्पकिन और क्या है एक एप्पल है तो अब ये बताइए पम्पकिन और एप्पल में किसका वेट ज़्यादा होता है कद्दू और सेब किसका वेट ज़्यादा होता है कद्दू का क्या होता है जो वेट होता है एप्पल से ज़्यादा होता है तो फिर हैवी के लिए हम लोग को क्या करना है टिक का यूज़ करना हैवी के लिए हम लोग क्या करेंगे टिक का यूज़ करेंगे और क्रॉस का लाइट के लिए लाइट यानी कि हल्का अब सेकेंड में हम लोग को क्या मिला है एक ब्रिंजल brin... और एक क्या है लेमन अब ब्रिंजल और लेमन में किसकी वेट ज़्यादा होता है किसका वेट कम होता है जो हैवी है हैवी यानी कि भारी और लाइट यानी कि हल्का अगर ब्रिंजल अगर इफ़ द ब्रिंजल इज हैवी यू विल राइट द टिक लेमन इज़ लाइट यू विल मार्क द क्रॉस इस दोनों में से जिसका वेट ज़्यादा है उसके लिए हम लोग को क्या करना है टिक का यूज़ करना है तो यहाँ पे ब्रिंजल क्या है ब्रिंजल का वेट लेमन से ज़्यादा है इसलिए हम लोग यहाँ पे टिक का यूज़ करेंगे और लेमन लेमन का वेट कम है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस का यूज़ करेंगे थर्ड नंबर में हम लोग को क्या मिला है एक स्टार फ्रूट है और एक कैप्सिकम अब इस दोनों में कैप्सिकम और स्टार फ्रूट में किसका वेट ज्यादा और किसका वेट कम है तो कैप्सिकम का वेट स्टार फ्रूट से क्या हुआ ज्यादा हुआ तो कैप्सिकम के लिए हम लोग टिक का यूज करते हैं और स्टार फ्रूट के लिए क्रॉस का अब फोर्थ नंबर में फोर्थ नंबर में क्या है बनाना और पियर तो पियर और बनाना में वेट सब सबसे बीच इज़ एंड एंडविच इज लाइट किसकी वेट ज़्यादा और किसका वेट कम है एप्पल का वेट पियर का वेट क्या है ज़्यादा है और बनाना का वेट क्या है कम है जिसका वेट ज़्यादा है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ठीक करेंगे हैवी के लिए तो हैवी क्या है पियर है और लाइट क्रॉस करेंगे हम लोग लाइट के लिए तो बनाना क्या है लाइट है